हमीरपुर में कर्फ्यू के दौरान पुलिस के द्वारा हर जगह पर मुस्तैदी बरती जा रही है और पुलिस पेट्रोलिंग करके कर्फ्यू के दौरान जनता पर नजर रखे हुए है। कर्फ्यू के दौरान नियमों का पालन करने के लिए पुलिस ने लोगों को आपातकाल के लिए अस्थायी पास बनाने की छूट दी है, जिसके लिए लोग हमीरपुर एसपी कार्यालय नंबर 224339 या फिर उनके व्हाट्सएप नंबर 7876916802 पर ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। एसपी हमीरपुर अरजीत सेन के अनुसार अस्थायी पास केवल मात्र कर्फ्यू के दौरान चिकित्सा व आपातकालीन स्थिति के लिए बनाए जाएंगे। एसपी हमीरपुर अरजीत सेन ने बताया कि आपात स्थिति से निपटने के लिए पुलिस पूरी तरह से मुस्तैद है। उन्होंने बताया कि किसी को आपदा के दौरान अस्थायी पास बनाने के लिए व्हाट्सएप नंबर जारी किया गया है, जिसका लोग फायदा उठा सकते हैं। उन्होंने लोगों से आह्वान किया कि ग्रामीण क्षेत्रों में भी कर्फ्यू का पालन करें और बिना वजह घरों से बाहर ना निकलें। जो इमरजेंसी पासेस की जो आवश्यकता है वो लोगों को अप्लाई करने पड़ते हैं, क्योंकि कई बार इमरजेंसी के पॉइंट ऑफ व्यू से किसी को घर जाना है, किसी को हॉस्पिटल जाना है या कोई ऐसी चीज़ करनी हो, तो उसके लिए हमारा पुलिस कंट्रोल रूम का एक नंबर है 224-300-224-339। उस नंबर पे कॉल कर सकते हैं या फिर व्हाट्सएप करने के लिए एक अन्य नंबर जो है मैंने सोशल मीडिया के माध्यम से जो है सर्कुलेट कर रखा है, तो आप उन इन नंबरों पर कॉन्टैक्ट करने के बाद आप उसमें जो हमारा फॉर्मेट है, सेट फॉर्मेट है, उसमें उन जानकारी को मैसेज करें और उसके बाद उसको देख के उसकी जांच परख करने के बाद जो है एक अप्रूव्ड इमरजेंसी पास जो है आपको वापस आपके व्हाट्सएप के माध्यम से ही अपने फ़ोन पे देने का हमने प्रावधान किया है। इसके बिना या तो इमरजेंसी सर्विसेज वाले जो एसेंशियल सर्विसेज वाले जिनके पास ऑलरेडी कर्फ्यू के रिलेटेड एक परमानेंट पास बना हुआ है वो निकल सकते हैं, या फिर जिनके पास इमरजेंसी के लिए पास बना है वो निकल सकते हैं। तीसरी तरह के कोई भी व्यक्ति गाड़ी के लेके या कोई ऐसा व्हीकल लेके ना निकलें, क्योंकि इसमें हमारे पास कानूनी कार्रवाई करने के अलावा और कोई चारा नहीं रह जाएगा। ये आपकी और हमारी सबकी सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। मेरा ये अनुरोध लोगों से भी रहेगा कि हर चप्पे पे हर एक किलोमीटर पे, हर दो किलोमीटर पे पुलिस का प्रेजेंस होना पॉसिबल नहीं है। इसलिए आपके माध्यम से मैं सबसे अनुरोध करना चाहूँगा कि कृपया अपने घरों में रहें और अपनी और दूसरों की सेफ्टी को मद्देनजर रखते हुए एटलीस्ट अगर थोड़ा देर बाहर भी रुकें तो लंबे डिस्टेंसेस पे ना जाएं और मास्क और ग्लव्स पहन के या जो भी सैनिटाइज़र वगैरह हैं एटलीस्ट वो पहन के ही बाहर निकलें।